नमस्कार दोस्तों, यस बैंक पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आई है, यानी कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में यस बैंक में एक बड़ा धमाका हो सकता है। बहुत बड़ी खुशखबरी जो आपको बताने वाला हूँ मैं। सबसे पहले आपको बता दूँ कि फ्राइडे के दिन भी बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिला है इंट्राडे के दौरान। तो आप भी दोस्तों छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करते ही आपको ऐड कर लिया जाएगा, और अभी 60% का भारी ऑफर भी चल रहा है। तो दोस्तों ऑफर का फ़ायदा भी उठा सकते हैं, 60% को 10% 20% नहीं 50% से भी ज़्यादा का भारी डिस्काउंट दोस्तों आपको दिया जा रहा है। और मात्र दोस्तों आपने यानी कि पान खा के थूक दिया, मात्र इतनी सी छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करते ही आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। वहाँ पे दोस्तों 90 से 99% की एक्यूरेसी के साथ आपको यहाँ पे कॉल मिलती है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यानी कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी देख सकते हैं। यस्टरडे के आप देख सकते हैं, यहाँ पे यस्टरडे का ही देख सकते हैं, 28 यानी कि 29 अप्रैल का देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आपको बताएं तो बैंक निफ्टी को सेल को दिया था, बैंक निफ्टी को निफ्टी को सेल दिया था, लेकिन ये कॉल 200 रिजेक्ट हो गई थी, क्योंकि ये कॉल 36,350 को ब्रेक नहीं की थी। उसके पहले ही इसने 36,350 को ब्रेक ना करके अपसाइड में मार्केट जाने लगा। तो यहाँ पे देखो, मैंने कॉल को रिजेक्ट करवाया और यहाँ पे फिर लिखा बैंक निफ्टी अगर 36,600 को ब्रेक करता है तो यहाँ पे पहले बाई साइड का ये टारगेट देगा, सेल साइड का वो तभी देगा जब 36,350 को ब्रेक करेगा। तो ये कॉल सारी रिजेक्ट हो गई। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक किया, टारगेट जबरदस्त टारगेट मिले, ये भी टारगेट मिला, लेकिन इसने क्या किया देख सकते हैं, ये पूरे टारगेट देने के बाद इसने क्या किया, वापस तो धमाका आपको देखने को मिला है। लेकिन जिसने दिमाग लगाया तो यहाँ को अगर वो डबल प्रॉफिट यहाँ पे जिसने कमाना चाहता कर सकता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कॉल दे रखी थी कि बैंक निफ्टी अगर ये ब्रेकआउट करता है, हालांकि इसने पहले अपसाइड में किया तो अपने अपसाइड के टारगेट ले लिए, लेकिन यहाँ पे जो कॉल दे रखी थी 36,350 को ब्रेक करेगा तो बैंक निफ्टी आपको पता है 36,050 के भी नीचे फिसलेगा। तो बैंक निफ्टी 36,000 के भी नीचे गया, आपने देखा 350 जैसे ही कटा देख सकते 36,600 गया था, 36,600 का ब्रेक करने के बाद 700 का टारगेट रखा था, वो टारगेट कंप्लीट किया, लेकिन वापस आ गया, 350 को भी काटा और काटने के बाद ये भी टारगेट सक्सेसफुल, यानी कि 36,350 से बैंक निफ्टी 36,000 के भी नीचे फिसला। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे आपने दोस्तों प्रॉफिट यहाँ पे उठाया है, यानी कि जो बाई कॉल थी वहाँ भी उठाया है, यहाँ पे सेल कॉल में दोस्तों थोड़ा सा दिमाग अगर आपने लगाया तो यहाँ पे सेल कॉल में भी ज़बरदस्त अपने प्रॉफिट यहाँ पे तो मैं सारी कुल दोस्तों अभी आप पा सकते हैं एक छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। चलिए दोस्तों हमने बताता हूँ यस बैंक की क्या खुशखबरी है, बहुत ही ज़बरदस्त यस बैंक की खुशखबरी आई है, जिसके चलते मंडे के ट्रेडिंग सेशन में यस बैंक में ज़बरदस्त वॉल्यूम आपको देखने को मिल सकता है। चलिए चलते हैं यस बैंक की खबर पर। यस बैंक की खुशखबरी दोस्तों आपकी आंखों के सामने ज़बरदस्त यस बैंक के लिए खुशखबरी है कि यस बैंक ने अब प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दिया है। और वित्त वर्ष 2021-22 की बात करें तो इसने शुद्ध लाभ कमाया है, 1,066 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया है, और पिछली तिमाही की तुलना में इसने 58% का प्रॉफिट ज़्यादा अर्जित किया है, और पिछले साल की तुलना में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसने अपना प्रॉफिट निकाला है, क्योंकि पिछले साल तो इसको घाटा था। चलिए यस बैंक दोस्तों जो मुश्किलों में गिरा हुआ था उसके लिए यस बैंक के लिए खुशखबरी आना स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है। तो देख सकते हैं यस बैंक ने 2021-22 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 1,066 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ यहाँ पे कमाया है। अब आपको बता दें 1,066 करोड़ का ये इसी तिमाही का नहीं है, ये चारों तिमाही को मिलाकर 1,066 करोड़ रुपये, यानी कि 2021-22 में टोटल इसका जो प्रॉफिट हुआ है वो 1,066 करोड़ का हुआ है। वो जैसे 200 करोड़ उस पिछली तिमाही में, 300 इस तिमाही में, उसके पहले 300 उसमें, ऐसा करके 1,066 करोड़ का पूरा इसका वित्त वर्ष निकला है। तो बहुत अच्छा निकला है, क्योंकि इसके पहले अगर आप बात करें यहाँ पे यस बैंक में इसके अगर 2020-21 की बात करें तो इसको 3,462 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था, उसकी तुलना में इस यहाँ पे घाटा हुआ था 3,500 के लगभग घाटा हुआ था, यहाँ पे इसको 1,100 करोड़ के लगभग यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे इसका प्रॉफिट रहा है। और उसके पहले भी अगर 2019-20 की बात करें, देखो 19-20 में इसको 22,000 से भी ज़्यादा 22,000 करोड़ से ज़्यादा को बहुत ही भारी घाटा यहाँ पे हुआ था, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं फिर इसको घाटा हुआ था, यानी कि लगातार 2 साल से इसको घाटा हो रहा था, और अब इसने प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे यस बैंक के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। और आपको बता दें कि इस तिमाही में इसका जो प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, वो भी मतलब पिछली तिमाही की तुलना में 38% इसका प्रॉफिट बढ़ा है। देख सकते हैं पिछली जो तिमाही थी, यानी कि दिसंबर वाली जो तिमाही थी, उसमें इसको 38% यानी कि 266 करोड़ रुपये का इसको प्रॉफिट हुआ था। वहाँ से अब दोस्तों इसको जो भी
जो अभी वाली जो तिमाही है जो मार्च तक जो चली है इसमें 367 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो इसका जो प्रॉफिट बढ़ा है वो 38% यहाँ पे भी प्रॉफिट बढ़ा है। यानी कुल मिला के कहें तो यस बैंक के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि यस बैंक ने यहाँ पे 2019-20 में 22,500 करोड़ का घाटा किया था, 2020-21 के अंदर इसने 3,500 करोड़ का घाटा किया था, 2021-22 में इसने 1,066 करोड़ का प्रॉफिट किया है, ना कि घाटा किया है। और लगातार इसने जो इस 2021-22 की लगातार जो भी क्वार्टर रहे हैं, क्वार्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, लगातार इसने प्रॉफिट दिखाया है, 200 करोड़ 300 करोड़ 200 करोड़, इस करके इसने 1,066 करोड़ का टोटल प्रॉफिट अर्जित किया है। तो यस बैंक के लिए दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इसके चलते यस बैंक के शेयर पर दोस्तों आप अपने एडवाइजरी सलाह लेकर दोस्तों अपना फोकस बना सकते हैं, क्योंकि यस बैंक में दोस्तों आगे आने वाले दिनों में अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट इसमें 25 रुपये का आप लगा के चलिए, उसके बाद में 38 रुपये तक के टारगेट यस बैंक में देखने को मिल सकते हैं। भाई दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत। दोस्तों वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यस बैंक की लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। भाई दोस्तों जय हिंद।